बिहार में नई सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने जमा खान ने कहा है कि कार्तिक कुमार हो या लेसी सिंह, अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जमा खान ने भी कहा है कि महागठबंधन सरकार के मंत्रियों की छवि धूमिल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही। इस पर फिर मंत्री बने हैं जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय उनको दिया गया है, हमारे साथ हैं सर। ये मंत्रालय फिर से आपके पास आया, डेढ़ साल तक आप मंत्री थे, कई काम आपने किए, इस बार आप क्या रोड मैप रहने वाला काम करें? बहुत सारी कामें हैं जो अधूरा था, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने उम्मीद रखे अपने कार्यकर्ता पर, उन्होंने भरोसा किया और भरोसा करके जिम्मेवारी दी है। निश्चित तौर पर पिछले दिनों आप जो मौका मुझे मिला उसमें बहुत सारे काम के निर्देश मैंने किया हूँ अपने नेता के निर्देश पर, और आज भी उनके ही निर्देश पर हमारा काम जारी है। राजद कोटे के जो मंत्रियों पे कुछ सवाल उठ रहा है, जैसे कार्तिक मास्टर थे, उन पे अपहरण का केस था, कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन मंत्री पद की शपथ लेने लगे, कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी मांग कर रही कि इस्तीफा करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। उधर आप ही की पार्टी के एमएलए हैं बीमा भारती, आप ही की पार्टी के मंत्री लेसी सिंह पे आरोप लगा रही हैं कि उगाही कराती हैं, उन हत्या कराती हैं, उनको इस्तीफा कराइए नहीं तो मैं अपना इस्तीफा दूंगी, तो इस तरह से जो कलह देखने को मिल रहा है। देखिए कलह हर परिवार में होता है, कोई भी परिवार हो, लंबा परिवार होगा तो कलह होगा ही होगा। हम लोग परिवार लंबा है, परिवार बड़ा है तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत होते हैं कलह, लेकिन हम सब लोग एक हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। रही साल जिसका पार्टी का बीजेपी का नाम ले रहे हैं, उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी में कमी आप खोजिएगा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कोई भी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों या गृह मंत्री सेंट्रल केंद्र के हों, जिसमें मैं कमी खोजूंगा 1000 कमी मिल जाएगी, और कमी नहीं खोजूंगा और काम देखूंगा तो मुझे काम नजर आएगा। मैं इस लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत बौखलाएं नहीं, आपका समय रहा है, आज भी आप देश देख रहे हैं, आप जो देश देख रहे हैं आप काम पे लगिए ना, देश को दिखाइए अगला भी 24 में आपको लोग माने। आज जो भी उनके साथ है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जबरदस्ती है, प्रेशर करते हैं अपने बात को मनवाने के लिए, हर तरह से प्रेशर करते हैं जिससे कि मैं उनकी बात को हाँ में हाँ मिला दूं, उनकी बात को कहूं, उनके आगे मैं बौना हो जाऊं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं उनके साथ भी सरकार में रहा, सरकार बनाया, हम लोग साथ रहे हैं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बौखलाना नहीं चाहिए, जनता है। आज 17 साल के अंदर हमारे नेता ने काम किया और इनके साथ थे, ठीक है अच्छे लगे तो नहीं साथ गए, लेकिन इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता लगा कि नहीं, ये जो है बिहार को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, आप मैं इस बात को चैलेंज करता हूं, आप मंदिर मस्जिद की बात सिर्फ खत्म कर दें, हिंदू मुसलमान की बात खत्म कर दें, काम की बात करें, मैं चैलेंज करता हूं, मैं लगता है कि जितने भी पार्टियां हैं देश के अंदर सबसे कमजोर हो जाएंगे लोग। अब लोकसभा का चुनाव भी है, बिहार में महागठबंधन बन गया, 7 पार्टियां भी हैं, तो क्या ये भी देखने को मिल सकता है कि नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम उम्मीदवार हों? क्या पीएम मटेरियल मानते हैं आप उनको? मैं नहीं मान रहा हूं, पूरा देश मान रहा है, लेकिन मैं तो कार्यकर्ता हूं, मैं उनका हूं तो मैं ऐसे कहूंगा आपको लगेगा, लेकिन पूरा देश कह रहा है और देश के तमाम पार्टियां कह रही हैं। तो जमा खान बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं कि लेसी सिंह और बीमा भारती के विवाद पर बीजेपी जो है बौखलाए नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कहा है? नीतीश कुमार ने तो उल्टी नसीहत बीमा भारती को ही दी और उन्होंने कहा कि ऐसे उठपटांग बयान नहीं देने चाहिए थे बीमा भारती को। बीमा भारती को इस तरह से नसीहत दी और साथ ही साथ कहा है कि पार्टी भी उन्हें नसीहत देगी, अगर उसके बावजूद वो बयान देती हैं तो फिर उनका इधर उधर जाने का मन है तो जाए। नीतीश कुमार ने क्या कहा है सुनवाते हैं। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे? दो बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया, उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग? तो इस तरह से कौन बोलती? हमको आश्चर्य हुआ है, तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कह कि ना अभी मिलने की कोई जरूरत नहीं हमारे ऑफिस में, कर हम कि चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देखें। ये बिल्कुल गलत बात है, और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा, अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे, ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है बनाया है, गलत बात है, इस तरह की कोई बात नहीं। इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात है, और कब से हम बनाए हुए हैं आप सब लोग जानते हैं ना, ताज कोई बोलेगा पार्टी कार्रवाई कर सकती है उनसे, पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सम्मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली, सोच लीजिए।
तो जो बोली है तो बोली है अपना, उसको कह देगा। अब हम ही देखिए, अब हमसे कुछ कह पाना ठीक नहीं है, वो बाकी लोग कह देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको खुद आश्चर्य है ये सब के लिए चुनाव प्रचार से लेकर के एक एक चीज के लिए कितना सब दिन काम किए, तो इसलिए सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों के पार्टी में सब तरह की बात नहीं, अब कौन कहवा दिया है बोलवा दिया है ये गलत है। नीतीश कुमार नसीहत देते हुए बीमा भारती को कि आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेसी सिंह को नहीं हटाया जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।